हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैश एनालिसिस। वी विल सी द मैश एनालिसिस। एक्चुअली में मैश एनालिसिस जो है, इट इज वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व द सर्किट। सर्किट को सॉल्व करने की ये एक मेथड है, ठीक है। अब इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं जिससे कि हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल हम लेते हैं, एक सर्किट लेते हैं और उसमें करंट की कैलकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग मैश एनालिसिस। तो टेक इट वन सर्किट। सपोज एक वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है, दिस इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड दिस इज वन ऑफ सर्किट। इनकी वैल्यूज लिख देते हैं हम। दिस इज 3 वोल्ट्स, दिस इज 1 ओम्स, दिस इज 2 ओम्स एंड दिस इज 8 वोल्ट्स, दिस इज 5 ओम्स एंड इट इज 10 वोल्ट्स। अब जब भी हमारे पास सर्किट आता है, अकॉर्डिंग टू मैश एनालिसिस हमें सबसे पहली स्टेप होती है कि हम ये देखें कि इसमें कितने क्लोज लूप है या कितने मैश बन रहे हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 मैश यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द क्लोज लूप एंड दिस इज द अनदर क्लोज लूप। तो 2 लूप हैं तो हमें हर लूप में करंट अज्यूम करनी होगी। हर लूप में जो हम करंट अज्यूम करेंगे वो सभी करंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब कि यदि मैंने इस लूप में करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम करी है, सपोज दिस इज द I1 करंट, यदि मैं दूसरे कलर का और ले लूँ तो दिस इज द I1 करंट एंड सपोज दिस इज द I2 करंट। तो जो I1 करंट और I2 करंट हमने ली है वो हमारी लूप करंट्स हो गई, मैश की करंट हो गई और दोनों ही हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम करी है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है इसको, वो है हर मैश में हम KVL इक्वेशन लिखेंगे। हर मैश में हमें KVL इक्वेशन लिखनी है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि KVL इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। तो हम इस लूप में शुरू करते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो यहाँ इसको लिखेंगे हम 10, देन अगेन यहाँ हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे माइनस, ये ड्रॉप हो जाएगा 5 × I1, फिर हम यहाँ से यहाँ आए अगेन प्लस से माइनस जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे -2। अब इसमें करंट, क्योंकि ये वाली जो ब्रांच है ये आपकी दोनों लूप्स की कॉमन ब्रांच है, इसलिए यहाँ पे जो करंट होगी वो I1 और I2 का डिफरेंस होगी। अब चूंकि हम फर्स्ट लूप में करंट लिख रहे हैं तो फर्स्ट लूप में के करंट को हम डोमिनेटिंग मानेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि I1 इज ग्रेटर देन I2, इसलिए जो फाइनल करंट होगी वो I1 - I2 होगी। और अगेन यहाँ हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -8 = 0। सो दिस इज द फर्स्ट लूप KVL इक्वेशन। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो तो यू विल गेट 2 - 7I1 + 2I2 = 0। और इसको एक अच्छे फॉर्मेट में हम लिख देंगे 7I1 - 2I2 = 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट मैश, ठीक है। अब हम सिमिलर KVL जो है वो हम हमारे लूप 2 में लगाएंगे। ये लूप 2 है, इसमें हम सपोज कर लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हम
प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे माइनस आई टू। फिर हम यहाँ से चले, अगेन हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस थ्री। यहाँ हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो वी विल राइट प्लस एट। फिर अगेन हम यहाँ, अब चूंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस टू इंटू करंट क्या होगी। अब हम सेकेंड लूप में सेकेंड मैश का जो करंट है उसको डोमिनेटिंग मानेंगे, आई टू माइनस आई वन लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे आई टू माइनस आई वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंड लूप में लिखी हमने इक्वेशन। हम जब भी कॉमन ब्रांच आएगी तो उसमें हम उसी लूप, जिस लूप में चल रहे हैं, जिस मैश में चल रहे हैं, उस करंट को डोमिनेटिंग मान के उसमें से दूसरे वाले करंट को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि आई वन आई टू अभी अननोन है जिसको कि हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम इस अजम्पशन के साथ चलेंगे, ठीक है। इसको भी फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस आई टू प्लस टू आई वन प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, और इसको भी प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लो, तो टू आई वन माइनस थ्री आई टू इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है। तो ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यदि सॉल्व कर लेंगे तो हमें आई वन आई टू की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए हम कोई सी भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं क्रैमर रूल का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले जिसके लिए हम डेल कैलकुलेट करेंगे, डेल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेवन माइनस टू, ये हो जाएगा आपका टू माइनस थ्री इज इक्वल टू, डेल इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस ट्वेंटी वन प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस सेवेंटीन। फिर हम निकालेंगे डेल वन, तो डेल वन में जो फर्स्ट रो है इसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट है हमारे टू और फाइव। डेल निकालने के लिए जो भी आई वन आई टू के कोफिशियंट्स है, जैसे सेवन, आई वन का कोफिशियंट है सेवन, आई टू का कोफिशियंट है टू, एंड यहाँ पर आई वन का कोफिशियंट है टू और आई टू का कोफिशियंट है माइनस थ्री, इसको हमने लिख दिया सेवन टू आई वन और माइनस टू माइनस थ्री आई टू के कोफिशियंट, तो हमारा डेल आ गया। डेल वन निकालने के लिए हम फर्स्ट जो कॉलम है उसको कांस्टेंट इक्वल टू में टू है और या इक्वल टू में माइनस फाइव है, तो टू और माइनस फाइव से इसको रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू यू विल गेट माइनस सिक्स माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, ओके। सिमिलरली डेल टू निकाल लीजिए, डेल टू इज इक्वल टू हो जाएगा अगेन फर्स्ट कॉलम को आप सेवन टू को ऐसे ही लिख दीजिए और सेकेंड कॉलम जो है माइनस टू माइनस थ्री इसको रिप्लेस कर दीजिए कॉन्स्टेंट से जो कि हमारे हैं टू और फाइव, यू विल गेट ये माइनस फाइव है, तो यू विल गेट माइनस थर्टी फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थर्टी नाइन। तो आई वन इज इक्वल टू क्या होगा, आई वन इज इक्वल टू होगा डेल वन अपॉन डेल इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, हमारा डेल वन है और डेल है माइनस सेवेंटीन, तो यू विल गेट द पॉजिटिव आई वन दैट इज जीरो पॉइंट नाइन फोर वन वन एम्पियर्स। और डेल आई टू इज इक्वल टू क्या होगा, आई टू इज इक्वल टू होगा आपका डेल टू अपॉन डेल विच इज इक्वल टू द डेल टू क्या है हमारा माइनस थर्टी नाइन डिवाइड बाय डेल क्या है हमारा माइनस सेवेंटीन, तो यू विल गेट अगेन पॉजिटिव आई टू विच इज इक्वल टू टू पॉइंट टू नाइन फोर एम्पियर्स। तो दिस इज द होल प्रोसीजर कि मैश एनालिसिस से हम कैसे करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल।
यदि हम चाहें तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। सी दिस इज द सर्किट। अब इसमें आपको दोनों लूप करंट्स, दोनों मैश करंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो सपोज कर लो कि फर्स्ट लूप में जो करंट है वो आपकी I1 करंट है, और यहाँ सपोज हमने कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 करंट है, और इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I2 करंट है। ठीक है, तो अब फर्स्ट लूप में हम इक्वेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट लूप की इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ से चले हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो 5, फिर माइनस I1, आगे हमारी कॉमन ब्रांच, अगेन यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -3 इंटू I1 को डोमिनेटिंग मानेंगे तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट लूप में हमें इक्वेशन मिल गई, इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 5। ये बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड लूप में देखिए, सेकेंड लूप में केवल रेजिस्टेंसेस ही रेजिस्टेंसेस हैं, इसलिए सेकेंड लूप की इक्वेशन में हमें कांस्टेंट कोई टर्म नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ से शुरू करें, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, इसके लिए प्लस माइनस है, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -2I2 -4I2 -3I2 -I1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो -2 -4I2 हो गया -6I2 -6I2 और -3I2 हो गया आपका -9I2 एंड माइनस माइनस प्लस 3I1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर यदि मैं माइनस साइन उधर ले जाऊँ तो मुझे मिलेगा -3I1 प्लस 9I2 इक्वल टू 0। ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब इसमें अगेन क्रैमर रूल लगाएंगे तो डेल निकालेंगे। डेल निकालने के लिए हम I1 और I2 के कांस्टेंट, यहाँ पे देखो I1 का 4 है, I2 का कोफिशियंट -3 है, तो हमने यह लिख दिया 4 -3। यहाँ I2 का -3 है और इसका +9 है, तो हमने यह लिख दिया -3 और +9। ठीक है, तो जब आप डेल कैलकुलेट करोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 4 इंटू 9 -3 इंटू 3, तो डेल हमें मिल जाएगा 4 9 36, माइनस माइनस प्लस हो गया -3 3 9, तो इट इज इक्वल टू द 27। अब डेल आप निकाल लीजिए, डेल 1, तो डेल 1 के लिए 4 और 3 -3 को हम, ये कांस्टेंट है हमारा 5 और यहाँ पे 0 से रिप्लेस कर देंगे तो 5 0 और ये हो जाएगा -3 और 9। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 45। ऐसे ही आप डेल 2 निकाल लीजिए, डेल 2 के लिए आप 4 और -3 को ऐसे ही रहने दीजिए, -3 और 9 को हम रिप्लेस कर देंगे 5 और 0 से, तो 4 इंटू 0 -15 प्लस हो गया तो 3 5 50। अब हमें निकालना है I1, तो I1 इज इक्वल टू होता है हमारा डेल 1 अपॉन डेल। तो डेल 1 क्या है, डेल 1 है हमारा 45 एंड व्हाट इज डेल, डेल हमने निकाला 27। इट इज इक्वल टू द 1.667 एम्पियर्स एंड I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू
डेल टू अपॉन डेल, तो डेल टू है हमारा 15 और डेल है हमारा 27, इट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.55 एम्पियर्स। ठीक है, तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द सर्किट। जब आपको इक्वेशंस मिल जाए तो उसको क्रैमर रूल से करने में कोई मिस्टेक्स होने की संभावना कम होती है, प्लस माइनस की मिस्टेक्स होने की संभावना कम होती है। यहाँ पर अभी दो ही लूप हमने कंसिडर किए हैं, यदि तीन लूप होंगे तो तीन इक्वेशंस बन जाएगी। तो अगेन आप क्रैमर रूल का यूज़ करके 3×3 का मैट्रिक्स, 3×3 का जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।